शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जा ही कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेजबान शेराज का सलाम पहुंचे। दोस्तों, पाकिस्तान और नाइजीरिया के दरमियान JF-17 थंडर के हवाले से नया तारीखी मुआहदा तय पा चुका है जिसकी तफसीलात नाइजीरिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने शाया कर दी हैं। मगर वीडियो की तमाम तर तफसीलात में जाने से पहले इस बेरवायत उन तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले तमाम दोस्तों से इंतहाई मुतबला इल्तमास करता हूँ कि पहले वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं अपने सो टॉपिक की तरफ। नाजरीन, आप में से बेशतर दोस्तों को मालूम होगा कि नाइजीरिया पहले ही पाकिस्तान से 3 की तादाद में JF-17 थंडर तैयारी खरीद चुका है जो कि इस साल नवंबर तक नाइजीरिया को मसूल हो जाएंगे। दोस्तों, इस खबर की तस्दीक नाइजीरिया के हुकूमती तर्जुमान की जानिब से भी कर दी गई है। दोस्तों, इसके साथ साथ नाइजीरिया मजीद JF-17 खरीदने के लिए पाकिस्तान से होने वाले अपने तारीखी मुआहदे की तफसीलात भी मंजर आम पर ले आया है। दोस्तों, नाइजीरिया के अखबार नाइजीरियन ट्रिब्यून और BBC में छपने वाले आर्टिकल के मुताबिक नाइजीरिया पाकिस्तान से 14 के करीब मजीद JF-17 थंडर 2 सीटों वाला और इसके साथ ही JF-17 Block 3 भी 20 की तादाद में अपनी एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। दोस्तों, वादे रहे कि पहले मरहले में 2022 तक नाइजीरिया को 14 की तादाद में JF-17 Thunder B की फरामी यकीनी बनाई जाएगी, जबकि 2024 तक बाकी के 20 JF-17 Thunder Block 3 तैयारी भी नाइजीरिया को फराम कर दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और नाइजीरिया जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमेशा नेक दुआ में याद रखा करें। अपने मेजबान शिराज को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।